प्रो कबड्डी लीग का सीजन 11/2024 में अक्टूबर 18 से स्टार्ट हो रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली अपडेट्स मिलेंगी, जब मैचेस होंगे मैच रिपोर्ट मिलेगी और वॉच अलोंग भी करेंगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो हम आज बात करते हैं यू मुंबा की। अब सिर्फ पूरी 12 टीम की सीरीज़ में दो टीम्स बची हुई हैं, यू मुंबा और यूपी योद्धास, तो सेकेंड लास्ट टीम है यू मुंबा। अब यू मुंबा की बात करें तो यू मुंबा मतलब स्टार्टिंग में जब प्रो कबड्डी लीग स्टार्ट हुआ था तो कंसिस्टेंट थी, उसके बाद इनकंसिस्टेंट हो गई है। नहीं, कंसिस्टेंट तो लास्ट कुछ सीजन्स में भी है, लेकिन लोअर हाफ ऑफ द टेबल में। जैसे अगर इस यू मुंबा के प्रो कबड्डी लीग की हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला पार्ट हो जाएगा पहले तीन सीज़न, दूसरा पार्ट हो जाएगा चार सीज़न बीच के, और तीसरा पार्ट हो जाएगा लास्ट थ्री सीजन्स। तो जो पहले थ्री सीज़न थे उसमें फर्स्ट सीज़न में ये रनर अप रहे थे, सेकंड सीज़न में विनर थे, थर्ड सीज़न में फिर से रनर अप रहे थे, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, इन चार सीज़न में ये दो बार सिर्फ क्वालिफाई कर पाए थे प्लेऑफ्स के लिए, सिक्स्थ सीज़न में और सेवन्थ सीज़न में। सिक्स्थ सीज़न में ये एलिमिनेटर में यूपी योद्धा से हार गए थे, और सेवन्थ सीज़न में ये सेमीफाइनल में बंगाल वॉरियर से हार गए थे। अब बात करते हैं लास्ट के जो तीन सीज़न थे, सीज़न एट, सीज़न नाइन, सीज़न टेन। सीज़न एट, सीज़न नाइन, सीज़न टेन में ये रहे थे सीज़न एट में टेंथ पोजीशन पे, सीज़न नाइन में नाइन्थ पोजीशन पे, और सीज़न टेन में टेंथ पोजीशन पे। और जिस हिसाब से इन्होंने इस बार का स्क्वाड बनाया सीज़न 11 का, तो ऐसा लग रहा है कि सीज़न 9 में 9th पोजीशन, सीज़न 10 में 10th पोजीशन, सीज़न 11 में 11th पोजीशन पे रहेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मेरे को इस यू मुंबा के स्क्वाड पे डाउट है कि यू मुंबा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इनके पास रेडर हैं ही नहीं, एक्सपीरियंस रेडर, सिर्फ एक रेडर इनके पास मनजीत, एक ऑलराउंडर है जफर दानिश, और दो एक्सपीरियंस डिफेंडर लेके आए हैं ये, सुनील कुमार और प्रवेश भैंसवाल। तो अब इनका कोच गुलम रेजा मजुंदरानी, अब ये सीज़न 10 में भी कोच थे, तो सीज़न 10 में पोजीशन तो 10th थी। अब ठीक है, जो इनके डिफेंडर्स हैं, जो प्रवेश भैंसवाल और सुनील कुमार को छोड़ के जो बाकी के डिफेंडर्स हैं, वो लास्ट सीज़न भी यू मुंबा के साथ थे, तो उन्हें पता है कि कोच के मेथड्स क्या हैं और कोच उनके साथ अच्छी तरह काम कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दोनों को पता है, प्लेयर्स को भी पता है, कोच को भी पता है एक दूसरे की। लेकिन स्टिल आपके पास रेडर तो होने चाहिए, बैकअप रेडर्स। इनके पास एक मनजीत है जो लेके आए हैं इस बार, वो एक्सपीरियंस्ड, और उसने भी पिछले सीज़न में कुछ ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे टीम को ले जाए। अब कोई अगर नया रेडर नहीं निकल के आता है, नहीं उभर के आता है सीज़न 11 में, तो यू मुंबा मेरे को लग रहा है कि प्लेऑफ्स के लिए तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, और कर लिया तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। ये यू मुंबा के लिए थोड़ा हार्ड होगा मेरी ओपिनियन में, मतलब ऐसा कोई ये सच्चाई नहीं है इसमें कि नहीं प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने अपना स्क्वाड बनाया, जो टीम लिस्ट बनेगी, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अब टीम में सात प्लेयर्स होते हैं कबड्डी के एक मैच में जो उतरते हैं मैट पे, उसमें से चार डिफेंडर तो खेलेंगे, चार डिफेंडर में सुनील कुमार और प्रवेश भैंसवाल तो खेलेंगे, बाकी बिट्टू हो गए, रिंकू हो गए, वो हम लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन कौन और खेल सकते हैं, तो ये दोनों तो खेलेंगे, लेकिन प्रवेश भैंसवाल और सुनील कुमार, सुनील कुमार को तो चलो समझ में आता है कि जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ सीज़न 9 में भी इन्होंने टाइटल जीता और लास्ट सीज़न भी इनका अच्छा था। प्रवेश भैंसवाल का लास्ट सीज़न तेलुगु टाइटन के साथ बहुत अच्छा नहीं था, वो एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन उनका उतना अच्छा था नहीं, और ये दोनों गुजरात जायंट्स में एक साथ खेल चुके हैं तीन चार सीज़न, तो अभी इनके बीच में लाइक केमिस्ट्री तो होगी, बट स्टिल लास्ट सीज़न तो इनका अच्छा था नहीं प्रवेश भैंसवाल का तेलुगु टाइटन्स के साथ, तो इस बार शायद फॉर्म में आ जाए, और बाकी के जो डिफेंडर हैं वो भी मतलब ठीक ठाक हैं, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पॉइंट्स लेके कौन आएगा, जफर दानिश जो ऑलराउंडर है खाली, वो एक बंदा पॉइंट्स लेके आएगा रेडिंग में, और अगर वो आउट हो गया तो उसको रिवाइव कौन करेगा। चलो मान लो मनजीत ने एक दो बार रिवाइव कर दिया, लेकिन हर बार और दोनों ही आउट हो गए, फिर कौन आ रहा है, फिर कोई तो एस्टैब्लिश्ड रेडर है नहीं ना इनके पास, यू मुंबा के पास, तो बहुत मुश्किल लग रहा है देखने में, मतलब कि लग रहा है कि ये 11th सीज़न में 11th पोजीशन पर रहेगी। बाकी अब इनके रेडर्स, डिफेंडर्स और ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रेडर्स की, रेडर में सबसे पहले बात हम करते हैं मनजीत की। अब मनजीत का PKL में रिकॉर्ड है 108 मैचेस खेले हैं, 633 रेड पॉइंट्स हैं और 70 टैकल पॉइंट्स हैं, तो ये वो रेडर हैं जो कि डिफेंडिंग में भी हेल्प करते हैं, जो 70 टैकल पॉइंट्स दिख रहे हैं वो उसका प्रूफ है। अगर मनजीत की प्रो कबड्डी लीग की हिस्ट्री देखें तो इन्होंने 2018 में सीज़न 6 पटना पायरेट्स के साथ खेला था, 2019 में सीज़न 7 पुनेरी पल्टन के साथ खेला था, 2021 में सीज़न 8 तमिल थलाइवास के लिए खेला था, 2022 में सीज़न 9 हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेला था, 2023 में सीज़न 10 फिर से पटना पायरेट्स के लिए खेला था। अब सीज़न 10 में इन्होंने 22 मैचेस खेले थे, 115 रेड पॉइंट्स थे और 5 टैकल पॉइंट्स थे, तो ये एवरेज आता है 5 रेड पॉइंट पर मैच।
तो अब उसमें ठीक है, पटना पायरेट्स में ज़्यादा रेड सचिन करते थे, लेकिन ये बैकअप थे, ये को मेन रेडर थे। लेकिन स्टिल अभी अगर सिंगल इन पे भार दे दिया जाए, पूरा इनके कंधों पे पूरा भार दे दिया जाए रेडिंग का, तो ये क्या उठा पाएंगे? ये क्या 10 रेड पॉइंट्स एवरेज की जो होती है एक टॉप रेडर की, वो कर पाएंगे सीजन 11 में? देखने वाली बात होगी, एंड देखते हैं क्या करते हैं। दूसरे रेडर आते हैं शिवम। शिवम ने 25 मैचेस खेले हैं अभी तक प्रो कबड्डी लीग में, 60 रेड पॉइंट्स हैं और 6 टैकल पॉइंट्स हैं। शिवम ने 2021, 2022, 2023 सीजन 8, सीजन 9, सीजन 10 तीनों यू मुंबा के साथ खेले हैं। सीजन 10 की बात करें तो 5 मैच खेले हैं और 19 रेड पॉइंट्स हैं। फिर आते हैं सतीश कनन। सतीश ने 3 मैच खेले हैं, इनका कोई रेड पॉइंट नहीं है, कोई टैकल पॉइंट नहीं है। इन्होंने 2023 में सीजन 10 तमिल थलाइवास के लिए खेला था। बाकी जो रेडर्स हैं लिस्ट में, विशाल चौधरी, एम धनाशेखर, अजीत चौहान और स्टुअर्ट सिंह, इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। तो मेरे बोलने का मतलब यही था स्टार्टिंग में वीडियो में कि इनके पास रेडर हैं ही नहीं। मंजीत एक इस्टेब्लिश रेडर दिख रहे हैं, उसके बाद कोई बैकअप नहीं है। सब्स्टिट्यूट लेके आएंगे, मतलब आ तो जाएंगे लेकिन इस्टेब्लिश नहीं है ना। अब ऑलराउंडर की बात अगर हम करें तो ऑलराउंडर में इनके पास हैं अमीर मोहम्मद, जफर दानिश। अब इन्होंने 20 मैचेस खेले हैं प्रो कबड्डी लीग में, 141 रेड पॉइंट्स हैं एंड 7 टैकल पॉइंट्स हैं। और इन्होंने सिर्फ एक सीज़न खेला है अभी तक प्रो कबड्डी लीग में, 2023 में सीज़न 10, वो भी यू मुंबा के साथ खेला था। तो ये जब आते थे रेड करने, जफर दानिश, यू मुंबा में लास्ट सीज़न में देखा था, तो इनके पास है एनर्जी है, स्पीड है, मतलब ये थोड़ा मैच एक्साइटिंग बनाते हैं। लेकिन ये इनकी एज ज़्यादा नहीं है अभी, तो ये बहुत यंग है, तो ये भी पूरा भार अपने कंधों पर संभाल पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे देखते हैं। लेकिन लग रहा है कि जफर दानिश लाइक इनके मेन रेडर होंगे। ऑलराउंडर लिस्ट में आ रहे हैं लेकिन ये मेन रेडर होंगे। ऑलराउंडर में एज अ मंजीत आएंगे, वो होंगे सेकंड रेडर। तो मंजीत और जफर दानिश, ये दोनों तो एज अ रेडर स्टार्ट करेंगे करेंगे, और शिवम आ सकते हैं तीसरे रेडर। अब डिफेंडर्स की लिस्ट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुनील कुमार की। सुनील ने अभी तक प्रो कबड्डी लीग में 137 मैचेस खेले हैं, 9 रेड पॉइंट्स हैं एंड 336 टैकल पॉइंट्स हैं। सुनील ने अपना करियर का स्टार्ट 2016 में सीज़न 4 में पटना पायरेट्स के साथ किया था। 2017, 2018, 2019, 2021 सीज़न 5, सीज़न 6, सीज़न 7, सीज़न 8 गुजरात जायंट्स के लिए खेला था इन्होंने। एंड फिर 2022, 2023 सीज़न 9, सीज़न 10 जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेला था। तो ये 2 बार प्रो कबड्डी लीग के चैंपियन हैं, एक बार सीज़न 4 में पटना पायरेट्स के साथ और एक बार सीज़न 9 में जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ। अब सीज़न 10 का रिकॉर्ड अगर इनका देखें हम, तो इन्होंने 23 मैचेस खेले, 4 रेड पॉइंट हैं एंड 55 टैकल पॉइंट्स हैं, तो विच इज़ गुड इनफ। और ये हैं अच्छे डिफेंडर, मतलब कि जयपुर पिंक पैंथर्स में तो इतने सारे डिफेंडर हैं कि पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो सुनील कुमार पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये तो स्टार्ट करेंगे मैच। दूसरे जो इनके नाम ही डिफेंडर हैं वो है प्रवेश भैंसवाल। इन्होंने 137 मैचेस खेले हैं अभी तक प्रो कबड्डी लीग में, इनके 4 रेड पॉइंट्स हैं और 310 टैकल पॉइंट्स हैं। इन्होंने भी 2016 में सीज़न 4 में अपना प्रो कबड्डी लीग का स्टार्ट किया था करियर, लेकिन वो जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ किया था। 2017, 18, 19, 21 में सीज़न 5, 6, 7, 8 इन्होंने भी गुजरात जायंट्स के साथ खेला था। तो इन्होंने सुनील कुमार के साथ खेल रखा है 4 सीज़न, तो इनके पास है कि इनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, इनकी केमिस्ट्री बन सकती है मैट पे। 2022, 2023 इन्होंने तेलुगु टाइटन्स के साथ खेला था, लेकिन सीज़न 10 की बात करें तो इन्होंने 15 मैच खेले थे जिसमें सिर्फ 8 टैकल पॉइंट्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ही बेकार रिकॉर्ड है प्रो कबड्डी लीग में अगर अच्छे डिफेंडर्स की लिस्ट देखें तो उसमें। फिर बात करते हैं गोकुल कनन एम की। इन्होंने अभी तक प्रो कबड्डी लीग में 13 मैचेस खेले हैं एंड इनके 19 टैकल पॉइंट्स हैं। इन्होंने सिर्फ एक सीज़न खेला है सीज़न 10 यू मुंबा के साथ। वहीं बात करते हैं फिर रिंकू की। रिंकू के 50 मैचेस हैं प्रो कबड्डी लीग में एंड इनके 147 टैकल पॉइंट्स हैं। रिंकू ने 2021, 2022, 2023 सीज़न 8, 9, 10 यू मुंबा के साथ खेला है। सीज़न 10 की बात करें तो इन्होंने 9 मैचेस खेले थे और 28 टैकल पॉइंट्स थे। तो सुनील कुमार और प्रवेश बैंसवाल के साथ तीसरे डिफेंडर रिंकू हो सकते हैं एक्सपीरियंस से जाएँ तो। बाकी कौन स्टार्ट करेगा ये तो सीज़न स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये 3 डिफेंडर तो इनके लग रहे हैं जो कि मैच स्टार्ट करेंगे। फिर नाम आता है बिट्टू का। बिट्टू ने 11 मैचेस खेले हैं एंड 20 टैकल पॉइंट्स हैं। बिट्टू ने भी सिर्फ एक सीज़न खेला है सीज़न 10, वो भी यू मुंबा के साथ। सोमबीर ने 15 मैचेस खेले हैं, 3 रेड पॉइंट्स हैं और 44 टैकल पॉइंट्स हैं। इन्होंने भी एक ही सीज़न खेला है सीज़न 10 यू मुंबा के साथ। फिर आते हैं मुकिलन शानमुगम। इन्होंने भी 9 मैचेस खेले हैं एंड 14 टैकल पॉइंट्स हैं। इन्होंने भी सिर्फ एक सीज़न खेला है सीज़न 10 यू मुंबा के साथ। एंड बच जाते हैं फिर लोकेश घोसलिया, सनी, दीपक कुंडू, आशीष कुमार, अमीर कुरबानी।
जिन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं खेला, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ये बेंच प्लेयर्स ही रहेंगे। तो ये स्क्वाड लिस्ट देख के तो इतना भरोसा आ नहीं रहा कि यू मुंबई प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाएगी आसानी से। कर लिया तो बहुत चमत्कार की बात होगी, एंड होप करते हैं तो कि यू मुंबई प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए, जो इनका पिछले 3 सीजन का रिकॉर्ड है 10th 9th 10th आने का वो इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि 10th 9th से ऊपर कुछ भी आएगा तो इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा है कि 10th या 11th में ही रहेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, होप करते हैं कि यू मुंबई अच्छा करे सीज़न 11 में। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, एक टीम बची है बस, यूपी योद्धास, उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।